हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? विंटर सीजन आ चुके हैं और विंटर सीजन आने का मतलब ही है कि स्किन रुखे पड़ जाते हैं। बट पता नहीं क्यों किसी किसी का स्किन तो बिल्कुल रुखे नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि हम कितना भी बॉडी ऑयल यूज करें या कोई भी ऑयल यूज करें, लेकिन वो कहाँ गायब है तो नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा बॉडी को बहुत सारी चीजें का जरूरत है। सिर्फ सरसों तेल, सिर्फ ऑलिव ऑयल या कुछ भी एडी ऑयल, इस तरह का ऑयल में आपको एक एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, बाकी इसीलिए ऐसे लगता है कि मैंने कुछ यूज तो किया, ऑयल तो यूज किया, मैंने अच्छा से अपना शावर लिया, लेकिन कहाँ गया? हाथों में वैसे ही रूखापन, चेहरे में वैसे ही रूखापन। पता है ये जो प्रोडक्ट है, आज स्वामी स्कैन का उम्र हो गया अराउंड 10 साल। ये जो प्रोडक्ट है ये सबका बहुत फेवरेट है। इसका रीजन क्या है? इसके रीजन है इसके भीतर क्या क्या है। इसके भीतर आप लोग देख सकते हो, इसके भीतर क्या है बोलिए तो, कस्तूरी हल्दी। ना, वो हल्दी नहीं जो हम लोग खाना बनाते हैं, वो हल्दी नहीं जो कच्चा हल्दी बोलते हैं, कस्तूरी हल्दी एज पर आयुर्वेदा, जो हम लोग जानते हैं कि हल्दी आपको गोरेपन देते हैं, वो है कस्तूरी हल्दी। और पता है हम लोग ये ऑयल को कैसे बनाते हैं? लेकिन उसके आगे मैं बता दूं कि इस ऑयल के भीतर हम लोग कस्तूरी हल्दी क्यों डालें। आप इस ऑयल को ना घर में ले आओ और 7 दिन छोड़ दो, आपको लगेगा कि इस ऑयल का कलर कुछ अलग ही आ रहा है। हर दिन एक गोल्ड के तरह कलर, क्योंकि हम लोग इस ऑयल को बोलते हैं कि लाइक गोल्डन ऑयल। कस्तूरी हल्दी अपना गुण जो है इस ऑयल में धीरे धीरे देते हैं। लेकिन इस ऑयल में कौन सा ऑयल है? ऑलिव ऑयल। सिर्फ ऑलिव ऑयल, सिर्फ ऑलिव ही क्यों? अगर एक ऑयल में ऑलिव रहे, व्हीट जम ऑयल रहे, उसके साथ साथ हम लोग अगर थोड़ा सा सिसम ऑयल डाल दे और उसमें बहुत सारा डिफरेंट ऑयल जैसे कैरेट सीड ऑयल, मतलब गाजर का जो सीड होते हैं उससे जो ऑयल है, उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारा एक्सट्रैक्ट दे दे, जैसे दारू हरिद्रा हुआ, कस्तूरी हल्दी हुआ, तो उसके बाद ये जो ऑयल बनेगा ना, उसको जब आप यूज़ कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, उसको जब आप यूज़ कीजिएगा, जो कि मैंने आज सुबह भी इसको यूज़ किया क्योंकि मेरा नहाने का सबसे बड़ा फ्रेंड यही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको दिख जा रहा है ना कि अजीब सा एक ग्लो और ये एकदम लाइट सा है। क्यों? जितना लाइट होगा उतना आपका स्किन में पेनिट्रेट करेगा, और जितना आपका स्किन में ऑयल पेनिट्रेट करेगा उतना ही आपका स्किन ग्लोइंग होगा। सो आपको पता चल रहा है ना, जैसे कि मैंने अभी ये इस हाथों में भी मैंने यूज़ करती हूँ, तो पहले कभी आप देखे हैं, मैंने आज सुबह भी यूज़ करके आई हूँ, लेकिन जितना बार यूज़ करती हूँ जैसे लगता है कि मेरा स्किन को कुछ नया दे गया। सो मुझे लगता है कि अगर आपको सोमी स्कैन के संग दोस्ती करना है तो सबसे आगे हमारा जो कस्तूरी हल्दी एंड ग्रेपसीड ऑयल है उसको इस्तेमाल करके देखिए, और उसके बाद पूछिए कि वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में ये सोमी स्कैन इतना मैजिक कैसे किया, क्या चाहिए आपका स्किन को, क्या प्रॉब्लम है, आप कैसा दिखना चाहते हो, शायद आपका कोई रोल मॉडल है और आप उनके तरह ही देखने में थे, लेकिन वो तो वैसे ही रह गए, आप क्यों बदल गए? क्यों बदल गए? क्योंकि थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा खुद को प्यार और थोड़ा सा जानकारी के संग अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपका रोल मॉडल को जैसे आप प्यार करते हो, आपको भी बहुतों ने रोल मॉडल बना लेंगे। मैं हमेशा ये मानती हूँ जिससे हम काम शुरू किए थे, कि अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करो और मन ही पहले दुखी हो जाए, ओह इट्स सो एक्सपेंसिव, तो फिर मन अगर दुखी रहे तो स्किन
त्वचा कभी भी ग्लो नहीं हो सकता। तो सोमी स्कंद का पहला बात है कि इट शुड बी एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल। सो अगर आपको ऑर्डर करना है आप फ्लिपकार्ट अमेजोन या तो हमारा वेबसाइट या तो हमारा हेल्पलाइन में आप लोग फ़ोन कर सकते हो और प्रोडक्ट आपका घर पहुंच जाएगा और बहुत जल्दी आपका बगल में जो शॉप है उसमें भी ये प्रोडक्ट आ जा रहा है। तब तक के लिए बाय, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे।